मात्रा को लिखना और बोलना सीखेंगे। आ की मात्रा में एक डंडा खींचता है सीधा। आ की मात्रा, जिसमें सिर्फ हम आ की ही मात्रा के बारे में पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो का से ज्ञा तक लिखते हैं हम, का से ज्ञा तक लिखते हैं ना। देखो हम का से ज्ञा तक लिखते हैं, तो उसमें हमें क्या लिखना है, का से ज्ञा तक में हमें आ की मात्रा ही मिलानी है। जैसे का लिखा है, इसे पढ़ेंगे हम का, इसमें हम आ की मात्रा मिला देंगे तो ये क्या बन जाए, का। इसे क्या पढ़ेंगे, ख, लेकिन आ की मात्रा मिला देंगे तो खा। ऐसे ही गा में आ की मात्रा गा, घा में आ की मात्रा घा, अड़ा पे आ की मात्रा अड़ा। वैसे ही चा पे आ की मात्रा चा, छा पे आ की मात्रा छा, जा पे आ की मात्रा जा, झा पे आ की मात्रा झा, अड़ा पे आ की मात्रा अड़ा, टा पे आ की मात्रा टा, ठा पे आ की मात्रा ठा, डा पे आ की मात्रा डा, ढा पे आ की मात्रा ढा, ढा पे आ की मात्रा ढा, ता पे आ की मात्रा ता, था पे आ की मात्रा था, दा पे आ की मात्रा दा, धा पे आ की मात्रा धा, ना पे आ की मात्रा ना, पा पे आ की मात्रा पा, पा पे आ की मात्रा पा, पा पे आ की मात्रा बा, भा पे आ की मात्रा भा, मा पे आ की मात्रा मा, या पे आ की मात्रा या, रा पे आ की मात्रा रा, ला पे आ की मात्रा ला, वा पे आ की मात्रा वा, शा पे आ की मात्रा शा, शा पे आ की मात्रा शा, सा पे हा की मात्रा सा, हा पे आ की मात्रा हा, शा पे आ की मात्रा श्रा, त्रा प्या की मात्रा त्रा, और ज्ञा प्या की मात्रा ज्ञा। तो आपको ये सारा इस तरीके से, का से लेके ज्ञा तक पूरा आपको इस तरीके से मात्रा मिलाकर लिखनी है, ठीक है। का से लेके ज्ञा तक आपको इस तरीके से लिखना है और जोर जोर से इसका उच्चारण करना है, यानी इसको जोर जोर से बोल बोल के लिखना है। का प्या की मात्रा का, खा पे आ की मात्रा खा, ग पे आ की मात्रा गा, घा पे आ की मात्रा घा, ड़ा पे आ की मात्रा ड़ा। इस तरीके से आपको पूरा ज्ञा से ज्ञानी तक पूरा लिखना है और इसको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही जल्द आ की मात्रा मिलाकर पढ़ना आ जाएगा। थैंक यू।